preview. Hi everyone, और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और उसके एक टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। कहा न्यूट्रिशन की अगर हम जिक्र करें तो हमने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन की अगर आपसे कोई बात करे कि न्यूट्रिशन होता क्या है तो आप बताओगे कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी तो इसमें क्या है, न्यूट्रिशन असल में होता क्या है, उसे ये बताया है कि अगर हम न्यूट्रिशन की जिक्र करेंगे ना तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन में हम लेते क्या है न्यूट्रिएंट्स को, और न्यूट्रिएंट्स को अगर हम लेते हैं तो हमने बताया था कि न्यूट्रिएंट जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स कितनी टाइप की होती हैं, टाइप बता देते हैं। न्यूट्रिएंट्स एक रहा कार्बोहाइड्रेट, एक रहा विटामिन, एक रहा मिनरल, एक रहा फैट और एक रहा प्रोटीन, ये सारे हैं। तो सी का मतलब कार्बोहाइड्रेट, सी का मतलब क्या है कार्बोहाइड्रेट, बी का मतलब है विटामिन, एम का मतलब है मिनरल, एफ का मतलब है फैट, पी का मतलब है प्रोटीन। तो कहा कि जब हम न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्रोथ होगा ना, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होगा और हमारे बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उससे बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि कुछ भी हो हमारी बॉडी में, जब भोजन किसी भी तरह से हमारे पूरी बॉडी में पहुंचने लगता है, हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, उसका हमारी बॉडी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ती है और उस समय क्या होता है, तब उसके बदौलत हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। अब इसमें कहा कि अगर आप न्यूट्रिशन की बात करोगे ना, अगर आप न्यूट्रिशन की बात करोगे तो कहा ये जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खा ले रहा है, ये थोड़ी नहीं पता है भाई। शेर है, अगर शेर है तो शेर क्या खाएगा, मीट खाएगा, लेकिन जो काऊ है वो ग्रास खाएगी। और अगर बात करें किसकी, ह्यूमन की, तो ओमनिवोरस होते हैं। तो कहा न्यूट्रिशन दो तरीके, कहा न्यूट्रिशन का मतलब होता है, आप होते हमने बताया, तो न्यूट्रिशन दो तरीके का हो सकता है, एक ऑटोट्रॉफ और एक हेटरोट्रॉफ। तो कहा न्यूट्रिशन जो होगा ये दो तरीके का होगा, पहला क्या होगा ऑटोट्रॉफ और दूसरा क्या होगा हेटरोट्रॉफ। न्यूट्रिशन दो तरीके का होगा, एक ऑटोट्रॉफ और एक हेटरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ वो होते हैं द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेडीमेड फूड। तो हम बोलेंगे इसमें मेक देयर ओन
फूड, ये खुद बनाते हैं, इन बोलेंगे डिपेंड ऑन रेडी मेड फूड। इसका मतलब कि ऑटोट्रॉफ में आता कौन है, तो कहा जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ में मेनली आते हैं प्लांट, जो ऑटोट्रॉफ प्लांट होते हैं उसमें मेनली कौन आता है, प्लांट आता है। इसका मतलब इस धरती पे अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर कोई है, इस धरती पे अगर कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो सिर्फ है इस धरती पे कौन है, सिर्फ प्लांट ही है। कौन है, प्लांट। सही में इसका मतलब हमारी धरती पे अगर कोई भोजन बनाने वाला है तो सिर्फ कौन है, प्लांट। सही में है। अगर हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफ की, तो कहा अगर आप ऑटोट्रॉफ की बात करोगे, अगर आप बात करो ऑटोट्रॉफ की, अगर हमने बात किसकी बात किया, हमने बात किया ऑटोट्रॉफ की, तो हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कहा ऑटोट्रॉफ में दो हो जाएंगे, दो पार्ट आएगा, एक का नाम होगा फोटोसिंथेसिस, एक का नाम फोटोसिंथेसिस और एक का नाम होगा केमोसाइंथेसिस। क्या नाम होगा, केमोसाइंथेसिस होगा। एक का नाम फोटोसिंथेसिस, एक का नाम केमोसाइंथेसिस। तो कहा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, केमोसाइंथेसिस क्या होता है, तो कहा जब ऑर्गेनिज्म अपना भोजन, फोटो वर्ड का मतलब है लाइट से रिलेशन, किससे रिलेशन है, लाइट से, लेकिन केमो वर्ड का रिलेशन है किससे, केमिकल्स। तो हमने कहा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इज नोन एज केमोसाइंथेसिस। इसका मेनली एग्जांपल जो होगा, इसका मेनली एग्जांपल होगा प्लांट, लेकिन इसका मेनली एग्जांपल होगा आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया, आयरन एंड सल्फर। तो इसका जो होगा आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया होंगे जो क्या करते हैं, केमोसाइंथेसिस। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमने पढ़ा है। तो हमने कहा कि आपसे पूछा गया न्यूट्रिशन, तो बताओगे कि टेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूज फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। कहा न्यूट्रिएंट्स के जिक्र करा जाए तो न्यूट्रिएंट्स पांच तरीके की होती है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट एंड प्रोटीन। चलिए अब इसमें कहा न्यूट्रिशन की जिक्र आ जाए, तो कहा न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से करता है। एक ऑर्गेनिज्म वो है जिसका नाम है ऑटोट्रॉफ और एक दूसरा है जिसका नाम है हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होता है जो अपना खाना खुद बनाए, व्हिच मेक देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफ वो है व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। इसमें कहा ऑटोट्रॉफ में ज्यादा आता कौन, प्लांट, और प्लांट ही क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब इस धरती पे अगर कोई भोजन बनाने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, तो ऑटोट्रॉफ ही। कहा ऑटोट्रॉफ में दो पार्ट होंगे, एक होगा फोटोसिंथेसिस, एक होगा केमोसिंथेसिस। कहा फोटोसिंथेसिस वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन तो बनाता है लेकिन प्रेजेंस किसका, किसका जरूरत है, लाइट का है। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट। चलिए केमोसाइंथिस क्या है, तो बोलिए केमोसाइंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाता है प्रेजेंस ऑफ केमिकल, तो इसमें बोलेंगे आयरन एंड सल्फर। बोर्ड का एक क्वेश्चन है उसको हम बता देते हैं, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। यह क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ, तो हमने व्हाट नहीं लिखा है, हमने सिर्फ लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें यह पूछा जा रहा है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करता है तो क्या फायदा है उसके लिए। जैसे हम खाना खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, फल खाते हैं, कुछ भी खाकर खा रहे हो तो उसका क्या फायदा है। अगर सांप मेंढक का शिकार करता है, चूहे का शिकार करता है,
बिल्ली भी चूहे का शिकार करती है, मेढक छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करता है, तो उनमें क्या पाता है उससे, उसका क्या फायदा, क्यों खाता है इंसान, रीजन क्या है, न्यूट्रिशन ना करे तो क्या होगा, तो उसका आंसर बता रहे। कहा अगर आप न्यूट्रिशन करते, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करता है, तो पहला ये होगा इसका आंसर, न्यूट्रिशन पहला आंसर होगा। अगर न्यूट्रिशन कोई ऑर्गेनिज्म करेगा तो ये मदद करेगा हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करेगा तो उसको ये न्यूट्रिशन मदद करेगा उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा ये क्या उसको प्रोवाइड करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड एनर्जी, क्या प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड एनर्जी, तो ये न्यूट्रिशन क्या उसको प्रोवाइड करेगा, एनर्जी देगा। तो कहा न्यूट्रिशन ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तभी तो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन खा, कहा कैसे कहा हुआ है? अगर इसने क्वेश्चन लगा दे वाई, क्या लगा दे वाई, तो हमने कहा मान लीजिए, मान लीजिए भोजन, और इस भोजन में दाल, क्या दाल, और इस दाल को क्या किया हमने, उठाया, आप सभी उठाया घटक, तो कहा जब इस दाल को आप पियोगे तो ये दाल क्या होगी, इस दाल को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम छोटे छोटे टुकड़े में पहले तोड़ेगी और इनसे क्या निकालेगी, इनको चेंज करेगी, इनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, इनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इकट्ठी मतलब डाइजेस्टिव इसको हमारा डाइजेस्टिव क्या करेगा, इसको ये होगा तो कॉम्प्लेक्स में, लेकिन इसको कन्वर्टेशन करेगा सिंपलर फॉर्म में, और ये सिंपलर फॉर्म फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करे जाएंगे, और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे फिर वहां से हमारे सेल तक पहुंचेगा ब्लड के द्वारा, फिर वहां क्या होगा, वहां से हमारे लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट और एनर्जी के लिए सेल जो होंगे वो हमारे लिए मदद करेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया, तो इसका न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए। अब इसमें बताया है, इसमें बताया गया है इसमें अगर हम जिक्र करें तो कहा इसके अगर हम और जिक्र करें तो कहा अब आगे चलते हैं, तो कहा अब हमारा जो बेसिक टर्म है, हमारा बेसिक टर्म है होलोजोई, क्या है होलोजोई, कहा वो ऑर्गेनिज्म, होलोजोई का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को चेंज कर दे सिंपलर फॉर्म में, इसमें सिंपलर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक, समझ में, समझ में, तो जो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देगा उसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहा है, हमारे बॉडी में होता है, आपके बॉडी में होगा, कौवे के बॉडी में होगा, जितने भी आपके एनिमल दिख रहे ना वो सबके अंदर ऐसा होगा, बंदर के अंदर होगा। चलिए आप कहा एक बात आपको याद रखना है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा उसके अंदर आइडिया पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा आइडिया, तो आप कहेंगे सर ये आइडिया क्या चीज है, आइडिया फॉर्मूला है, आई डी ए ए, तो कहा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा उसी के अंदर ही आइडिया आएगा, और सर फिर कंफ्यूज करें What is means of term idea? तो हम बताते हैं आइडिया का आई का मतलब है इन जे सन, क्या मतलब है इन जे सन, इसका मतलब है डाई जे सन, इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, इसका मतलब है ई जे सन। तो कहा अगर कोई ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है तो उनको अपने अंदर आइडिया लाना,
पड़ेगा, उनका भोजन इन पांच प्रोसेस से होकर गुजरेगा। पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर इजेशन होगा। इनका याद रखिएगा, इनका मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो मेरी और लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनका डेफिनेशन बोल दूंगा और आप वीडियो को प्यूज करके या पॉज करके लिख लेना। तो इंजेशन का मतलब मैं समझा दे रहा, इंजेशन का मतलब होता है आपने भोजन को लिया, माउथ में रखा तो इंजेशन स्टार्ट हो, आपने भोजन को देखा, माउथ में रखा, इंजेक्शन स्टार्ट हो गया। आप फुली की दुकान पे गए, फुली को उठाया, मुख में रखते इंजेक्शन स्टार्ट हो गया। तो इंजेक्शन का मतलब है टेक अ फूड इन टू माउथ, ठीक है। तो कहा टेक अ फूड इन टू माउथ, या बोल सकते हैं इनटेक, क्या बोलेंगे इनटेक, इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ इन इंग्लिश। जब माउथ में भोजन जाएगा तो डाइजेशन में क्या होगा, सिंपलर बता रहे हैं, इस सिंपलर में क्या होगा, इसमें डाइजेशन में सिंपलर सब्सटेंस, सॉरी इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड, तो बोलेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स फूड इसमें ब्रेक करा जाएगा, इसमें सिंपलर में, इसमें सिंपलर में क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ब्रेक करा जाएगा, सिंपलर में टूट गया। तो कहा व्हाट इज इंजेक्शन, तो बोलेंगे द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ फूड एंड पुट इनटू माउथ इज नोन एज इंजेक्शन, लिख लेना इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच सिम या सॉरी इन विच कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। कहा व्हाट इज मीन्स एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन में बोलेंगे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन में बोलेंगे इसमें बोलेंगे कि डाइजेस्टेड फूड कौन आएगा, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड क्यों लिखा है भाई, यहां तो सिंपलर में हो गया ना, उसका डाइजेशन हो चुका है, डाइजेस्टेड फूड इसमें डाइजेस्टेड फूड कहां जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, क्या होंगे एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब, इस बात को याद, तो हम इसका डेफिनेशन आपको बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। याद रखिए मैं लिखा नहीं रहा ज्यादा, आप लिख लेना मैंने बोल दिया, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो आप जानते हैं ज्यादा लंबा हो जाता है तो आपको पूरा कॉन्टेक्ट नहीं बता सकते। अब आइए एसिमिलेशन, तो अब ये डाइजेस्टिव फूड कहां पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कहा इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल तक पहुंचता है, कहां तक, सेल तक पहुंचता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। तो कहा कि एसिमिलेशन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होता है सेल तक पहुंचता है, और जब ये सेल तक पहुंचता है, सेल में पहुंचता है, तो ये सेल क्या करता है, अब लिखा है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब सेल क्या निकालेगा, सेल क्या करेगा, एसिमिलेट करेगा, क्या करेगा एसिमिलेट, क्या करेगा एसिमिलेट, और क्या करेगा एसिमिलेट कर क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, क्या निकालेगा एनर्जी, तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। तो बोलेंगे एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन गोज टू सेल बाय द हेल्प ऑफ ब्लड एंड सेल एसिमिलेट एनर्जी इज नोन एज एसिमिलेशन। सुनिए मैंने इसको लिखने इजेशन की बात कर लो, कहा इजेशन का मतलब क्या है जी, तो कहा इजेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम बताएंगे इजेशन का मतलब होता है कि गंदगी बॉडी, तो हमने कहा सेल एनर्जी तो निकाल रहा है, लेकिन क्या सेल के अंदर गंदगी नहीं आएगी, आएगी, वेस्ट मटेरियल नहीं आएगा, आएगा, सिंपल सा मतलब है। तो बोलेंगे रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल इज नोन एज इजेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन, क्या बोलते हैं डिफेक्शन, इसको डिफेक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं
डिफेक्शन। और याद रखिएगा कभी कभी वेस्ट वेस्ट को ना बोलते हैं फेसेस, क्या बोलते हैं फेसेस, क्या बोलते हैं फेसेस, फेसेस, फेसेस का मतलब इसके जगह पे वेस्ट जगह पे फेसेस लगा देता है। सुनिए अब आपको क्या करना है, ये समझ में आ गया? तो हमने कहा सिंपल में 2 मिनट का भी हम क्रेस कर दे रहे हैं, इसको क्रेस कोर्स कर दे रहे हैं। तो हमने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है उनके अंदर आइडिया पाया जाता है, उनको आइडिया अपने अंदर लाना पड़ता है। तो कहा आई का मतलब इंजेशन, डी का मतलब डाइजेशन, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, ए का मतलब असिमिलेशन और ए का मतलब इंजेशन। कहा जब भोजन को हमने उठाया माउथ में रख दिया तो इंजेशन, जब वही भोजन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में था सिंपल में टूट गया तो डाइजेशन, फिर जब डाइजेशन हो गया तो डाइजेस्टिव फूड कहां पहुंच जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्ब होने लगे, क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन में क्या होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से या इंटेस्टाइन से भोजन कहां पहुंचेगा सेल में ब्लड के द्वारा, और ब्लड क्या निकालेगा एनर्जी निकालेगा, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। कहा इजेशन क्या है, जिसको डिफेक्शन भी बोलते हैं, कहा रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस या सॉलिड वेस्ट या फेसेस मटेरियल इज नोन एज इजेशन। We'll be right back.